नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमने SSJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई हुई है, उसमें पहले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 28 से 36 तक आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? टू वायर्स ए एंड बी हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। दो वायर्स हैं हमारे पास, ए वायर और बी वायर। दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? सेम है एंड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। दोनों वायर्स हैं जो वो सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, जहां पे कॉपर की है ए वायर और दूसरी वायर किसकी है वो भी कॉपर की हमने ली है। दोनों का एरिया सेम हो गया और मटेरियल सेम हो गया। जो पहली वायर है आर ई, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 600 ओम है। और आर बी की कितनी है? 100 ओम है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए इज लॉन्गर देन बी। ए कितनी बड़ी होगी, कितने टाइम्स बड़ी होगी ये पूछा है इसमें। टाइम्स कितने टाइम्स बड़ी होगी किससे? बी से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस किसके इज इक्वल होती है? रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहाँ पे ये रो है, ये होगी कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, मीन्स वायर है जो किस मटेरियल की बनी हुई है। एरिया, एरिया हमारे पास दोनों का सेम है। अब जो रेजिस्टेंस है हमारी वो किस पे डिपेंड करेगी? ओनली ऑन लेंथ पे। तो आर इज इक्वल टू एल, इस पे डिपेंड करेगी ना। हम यहाँ पे फार्मूला लिखने जा रहे हैं, आर ए डिवाइड बाय आर बी इज इक्वल टू एल वन डिवाइड बाय एल टू, क्योंकि यहाँ पे एल वन है ना, आर ए की रेजिस्टेंस एल वन है और आर बी की रेजिस्टेंस कितनी है? एल टू है। हमने दोनों को बराबर रख लिया। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है? आर ए एंड आर बी की वैल्यू है। आर ए की वैल्यू कितनी है? 600 ओम है। और आर बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100 ओम है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मींस क्या है? जो एल वन है, एल वन लेंथ है, पहले वायर की रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स बढ़ी है एल टू से? 6 टाइम्स बढ़ी है। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 200 वाट 200 वोल्ट लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब हैं 100 वाट 200 वोल्ट के जो सीरीज में कनेक्ट है। कितनी वोल्ट सप्लाई के साथ? 200 वोल्ट सप्लाई के साथ। द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप। हर एक बल्ब कितनी वाटेज जलेगा? एक ईच बल्ब पूछा है ना उसने, ना कि टोटल दोनों की पूछा है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमने? बल्ब का जब भी क्वेश्चन आपको फेस करना पड़े तो आपने क्या करना है? पहले तो रेजिस्टेंस निकालनी है, हर एक बल्ब की कितनी होगी सीरीज के केस में। रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक पॉइंट और नोट करना है, जो बल्ब की वोल्टेज लेनी है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी। जो हमने यहाँ पे वोल्टेज लेनी है वो लेनी है रेटेड वोल्टेज है, ना के सप्लाई वोल्टेज। हमने कौन सी वोल्टेज लेनी है? रेटेड वोल्टेज लेनी है हमेशा ही। तो रेटेड वोल्टेज हमारी कितनी है? 200 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 100 वाट। ये हमारे पास कितना आ गया? 400 ओम। दोनों बल्ब सेम वाटेज, सेम वोल्टेज के हैं, तो दोनों की रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इसकी भी 400 ओम आ जाएगी और इसकी भी कितनी आ जाएगी? 400 ओम आ जाएगी। दोनों की रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गई। अब हम करते हैं दोनों का प्लस। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी? 800 ओम। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? करंट फाइंड आउट करेंगे, इसमें से कितना करंट जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन आर। वोल्टेज कितनी हमारे पास? वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 200 वोल्ट। ये हमने सप्लाई वोल्टेज लिया है। रेजिस्टेंस कितनी लेंगे हम? टोटल रेजिस्टेंस, वो कितने हमारे पास? 800 ओम। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4 मीन्स 0.25। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करनी है। इसने पूछा ना, द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई ईच लैंप। हर एक लैंप कितनी वाटेज कंज्यूम करेगा? तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? हमने एक ही देखनी है तो हम सिर्फ एक ही देखेंगे। पी इज इक्वल टू, हमारे पास करंट भी है, आई स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस भी है। तो करंट का जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करें 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 400 ओम। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 वॉट। अगला क्वेश्चन है,
ए टर्मिनल वेयर थ्री और मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज, उस टर्मिनल को क्या कहेंगे, यहाँ तीन और उससे ज्यादा ब्रांचेस मीट होंगी, उसको कहेंगे हम नोड। यहाँ पे देखते हैं ये सर्किट है हमारे पास, इसमें नोड कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे ये नोड हो गया, इसकी अदर एक डेफिनेशन है, यहाँ पे टू और टू से ज्यादा सर्किट एलिमेंट मीट कर रहे हों उसको भी हम नोड कहते हैं। यहाँ पे देखो ये तो ई हो गया और आर थ्री हो गया। यहाँ पे एक मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये क्या है हमारे नोड्स हैं। ठीक है भाई, सो आंसर हमारा क्या है, नोड बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट एल एंड एम इन फिगर इज, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी एल एंड एम के बीच में। देखते हैं इसमें हम एक बात पहले नोट करेंगे, जो कैपेसिटेंस होती है वो सीरीज में कैसे जुड़ती है और पैरेलल में कैसे जुड़ती है। सीरीज में कैसे जुड़ती है कैपेसिटेंस, उसका फार्मूला है हमारे पास 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, और पैरेलल में कैसे जुड़ेगी, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। हम कह सकते हैं इसको याद रखने का तरीका क्या है, हम कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस की उल्टी जुड़ती है कैपेसिटेंस होती है, जो 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड ये रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है पैरेलल में, तो ये कितनी बन जाएगी रेजिस्टेंस, 3 ओम। तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, अब हमारे पास सर्किट तैयार हो गया है ये वाला। देखो 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड ये किस में है, पैरेलल में है, ये जुड़े ही कैसे, सी वन प्लस सी टू, टू प्लस वन कितना हुआ 3 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये दोनों 3 और 2, 3 3 और 2 ये किस में है, सीरीज में है, ये जुड़ेगी कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड 3 प्लस 2, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 6 बाई 5 को 1.2 माइक्रोफेरेड, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम कितनी वैल्यू लिखेंगे, 1.2 माइक्रोफेरेड। तो हमारा नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगा, अब अगर यहाँ पे देखें हम 1.2 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड ये किसमें है, पैरेलल में, तो ये कैसे जुड़ेंगी, सीरीज में जुड़ जाएंगी ना। तो हमारे पास नेक्स्ट सर्किट क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, इसकी इस वाले सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी हमारे पास, 1.2 प्लस 1, 2.2 माइक्रोफेरेड। अब हमारा नेक्स्ट सर्किट क्या बन गया है, ये बन गया है सी इक्विवेलेंट, हमारे पास क्या आ गया 1.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.2 माइक्रोफेरेड। ठीक है भाई, ये इसको सॉल्व करके आई हुई है। अब हमारे पास ये जो सर्किट है ये वाले, ये दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कैसे जोड़ते हैं, 2.2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2.2 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.05 माइक्रोफेरेड। इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब सर्किट क्या बनेगा हमारे पास, अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.05 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.05 माइक्रोफेरेड, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड इन स्टार, तीन रजिस्टर हैं जो स्टार की फॉर्म में कनेक्ट हैं, इनकी रजिस्टेंस कितनी है, सिर्फ आर ओम है, ये हमारा स्टार है यहां से लेके ये हमारा क्या है, स्टार है, सभी की रेजिस्टेंस इसकी भी आर ओम है, इसकी भी आर ओम है और इसकी भी आर ओम है। हमने इस स्टार को किस में कन्वर्ट करना है, जे वाले डेल्टा में कन्वर्ट करना है, जे वाले डेल्टा में, ये मैंने बीच क्यों बनाया, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। देखिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है आर ए बी, आर ए इंटू आर बी, नेक्स्ट हमने लिखना है
आरबी इंटू आर सी प्लस नेक्स्ट है हमारे पास आर सी इंटू आर ए, आर सी इंटू आर ए डिवाइड बाय, डिवाइड किसकी लेना है इंपॉर्टेंट है, डिवाइड किसकी लेना है, जिस ब्रांच की हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसी ब्रांच की अपोजिट स्टार में कनेक्टेड हुई रेजिस्टेंस लेंगे, मींस आर सी लेंगे डिवाइड बाय आर सी, यहां पे लिखेंगे आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर डिवाइड बाय आर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, थ्री आर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास कितना आ गया थ्री आर। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3R, BC कैसे फाइंड आउट करेंगे, RB मल्टीप्लाई बाय RC, RB मल्टीप्लाई बाय RC प्लस नेक्स्ट है RC मल्टीप्लाई बाय RA, RC मल्टीप्लाई बाय RA प्लस नेक्स्ट है RA मल्टीप्लाई बाय RB, RA मल्टीप्लाई बाय RC डिवाइड बाय कौन सी रेजिस्टेंस लेंगे, अब ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना आरबीसी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी अपोजिट कौन सी है स्टार में आर ए डिवाइड बाय आर ए, तो इसका भी क्या आ जाएगा सेम ही प्रोसेस है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो हमारी इसकी भी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी थ्री आर आ जाएगी। ऐसे ही हम किसकी फाइंड आउट करेंगे आर ए सी की, उसकी भी कितनी आ जाएगी थ्री आर आ जाएगी, सो आंसर हमारा क्या होगा 3R। इसको करने का एक और भी तरीका है, स्टार कनेक्शन में अगर वैल्यू हमें सेम दी हुई हो तो इसमें कितनी हो जाती है डेल्टा में 3 गुना हो जाती है, कहने का भाव ये है कि अगर स्टार में हमें रेजिस्टेंस R ओम दी हुई थी, सेम रेजिस्टेंस थी तीनों ब्रांचेस की, और डेल्टा में हमारी क्या बन जाएगी तीनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस सेम बन जाएगी, मीन्स डेल्टा में हमारी कितनी बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई आर, 3R रेजिस्टेंस आ जाएगी हर एक ब्रांच की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव सेम टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस, वन ऑफ देम गिव्स 60 वाट एंड द अदर गिव्स 100 वाट, देन क्या कह रहा है, दो बल्ब हैं, अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है, तो हमने नेचुरली क्या माने हैं ये पैरेलल में है, दोनों बल्ब किस में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। दूसरी बात उसने क्या बताई है क्वेश्चन में, उसने कहा है उसका फिलामेंट क्या है टंगस्टन का बना हुआ है। तीसरी बात क्या बताई है उसने, थिकनेस सेम है, 60 वाट के बल्ब को लेते हैं एज कंपेयर टू 100 वाट बल्ब, पावर का फार्मूला क्या होगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों बल्ब में हम कंपैरिजन करेंगे, अब हम 60 वाट बल्ब को लेते हैं एज कंपेयर टू 100 वाट, अगर 60 वाट बल्ब की पावर कम है किससे 100 वाट से, पावर क्या होगी कम होगी, यहाँ पे रिएस्टेंस क्या होगी एज कंपेयर टू 100 वाट वो क्या होगी 60 वाट की ज्यादा होगी, 60 वाट फिलामेंट की जो रिएस्टेंस है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 100 वाट, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे बड़ी है इसका मीन्स क्या हुआ हमारी लेंथ भी क्या होगी ज्यादा होगी, सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा डी, 60 वाट लैंप फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ एज कंपेयर टू 100 वाट फिलामेंट, 60 वाट फिलामेंट की लेंथ क्या होगी फिलामेंट की लेंथ क्या होगी ज्यादा होगी किससे ज्यादा होगी 100 वाट फिलामेंट से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में देखते हैं क्या होता है, जितनी वोल्टेज यहाँ पे थी उतनी ही उतनी
अपनी टर्मिनल्स पे पहुंचे उसको क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉसिबल कंडीशन करवानी है तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ये जीरो होनी चाहिए। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो होंगे जीरो। जहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास 100 वोल्ट थी, तो 100 की 100 हमारी कहाँ पे पहुंचेगी, टर्मिनल्स पे पहुंचेगी। तो इसमें कंडीशन क्या हुई, E इज इक्वल टू बी टी होता है, इसमें हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, वो होती है जीरो। और सोर्स रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, जो हमारा ईएमएफ सोर्स है उसकी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आर ए बी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ए और बी के बीचकार हमने क्या पता करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, आर ए बी फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है ये कौन सी ब्रांच सीरीज में है और कौन सी ब्रांच पैरेलल में है। तो हम इस टाइप के जो क्वेश्चन जो होते हैं, इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं, जो एक स्क्वायर के जैसी लगती है और जिसको सेंटर से कट किया हुआ है, दो त्रिकोण सी बन रही है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं ब्रिजेस के। एक तो होता है बैलेंस ब्रिज, दूसरा होता है अनबैलेंस ब्रिज। जो बैलेंस ब्रिज है इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी जो अपोजिट ब्रांचेज होती हैं, जे दोनों और जे दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए। सपोज कर लीजिए ब्रांच ए, इसको मान लिया ब्रांच बी की रेजिस्टेंस, इसको सी मान लिया और इसको मान लिया डी। अब बैलेंस की कंडीशन क्या होगी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल होनी चाहिए किसके, सी और डी के, सी मल्टीप्लाई बाई डी। देखते हैं इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल होगी तो हमारा जो ब्रिज है वो क्या होगा, बैलेंस होगा। 20 मल्टीप्लाई बाई बी कितनी है, 15 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितनी है 10 ओम, 300 इधर भी कितना आ जाएगा 300। ये कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, मींस ये ब्रिज है जो बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसकी ये वाली ब्रांच होगी जो 50 ओम वाली, ये क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि इसमें से करंट क्या होगा, जीरो एम्पीयर करंट होगा। अगर इसमें से जीरो एम्पीयर करंट होगा, अब हमारे पास ये सर्किट तैयार हो गया है, 20 ओम एंड 10 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हमें किसमें होगी, सीरीज में होगी। कैसे होगी, क्योंकि एक करंट यहां से आएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये करंट दोनों ब्रांचेस का करंट सेम करंट होगा। और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होगी, सीरीज में। और ये दोनों 30 ओम एंड 15 ओम ये दोनों भी किस में होगी, सीरीज में होगी। तो 20 ओम और 15 ओम इसका नया सर्किट क्या बनेगा, अब जे वाला बन जाएगा, 45 ओम और 30 ओम ये दोनों किस में आ जाएंगी, पैरेलल में। पैरेलल में हमारा फार्मूला क्या होता है, आर ए बी इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 30 आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 ओम। सो द आंसर इज ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है, सर्किट हमको दिया हुआ है सामने हमारे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपनी तरफ से यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, अपनी तरफ से यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करंट जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा, ये दोनों ब्रांचेस में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो हमने इनको दोनों को क्या मान लिया, सीरीज में मान लिया, सीरीज सर्किट है। कि नई डायग्राम अब क्या बनेगी, अगर हमारे पास ये दोनों ब्रांचेस सीरीज में होगी 1 और 5, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 1 प्लस 5 6 ओम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 600। अब हम किनको सॉल्व करना है, हमने इन दोनों ब्रांचेस को सॉल्व करना है। अब इन दोनों ब्रांचेस को, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है ना, दोनों की रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर यहाँ पे 2 ओम आ गई तो हमारा नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगा,
अब इस सर्किट में हमें यहाँ पे अब हमें दिख रहा है ये 2 और 2 दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज में है, तो ये सीरीज में है हमारा सर्किट। नेक्स्ट सर्किट हमारा क्या होगा, अब देखते हैं। अब हमारे पास ये 4 ओम बन गई। अब ये दोनों 6 ओम एंड 4 ओम ये दोनों किस में है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है ना। कितनी रेजिस्टेंस आएगी, 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 2.4 ओम। अगर हमारे पास यहाँ पे 2.4 ओम लग गई, लास्ट सर्किट जो हमारे पास बना है वो ये बना है 4 ओम 2.4 ओम 8 ओम, ये तीनों किस में है सीरीज में है ना। ये तीनों अगर सीरीज में है तो इनका सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2.4 प्लस 8 ओम 14.4 ओम इसका आंसर आ जाएगा हमारा। सो आंसर इज ए।